हाय, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हो या फिर आपने अभी अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखना। हाय, मैं सुदम अलवी, नेटवर्कर, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपका रिश्तेदार आया, आपका पड़ोसी आया, आपका दोस्त आया, आपको यह बिजनेस समझाया। जब उसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दिखाया तो आपको अच्छा लगा, आपके मन में सपने जगे, आपको लगा कि आप अपने बच्चों के लिए, आपके पत्नी के लिए, आपके माँ बाप के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो आपने इस बिजनेस को निर्णय लिया और इस बिजनेस को ज्वाइन किया। लेकिन दोस्तों, लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन सभी लोग सक्सेस क्यों नहीं बन पाते, इसके अनेक कारण हैं। इस वीडियो में ऐसे एक महत्वपूर्ण कारण का आपको पता चलेगा। जहां मैं बात कर रहा हूं हाउ टू डू, यानी इस बिजनेस को किस तरह करना है, इस बिजनेस को करने की एक सिस्टम है, और जो भी व्यक्ति इस सिस्टम पर लगातार 4 या 5 साल मेहनत करता है तो वह बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। चलिए हम जान लेते हैं कि वह सिस्टम क्या है। नंबर 1, लिस्ट बिल्डिंग। जहां मेरे फ्रेंड्स, यह बिजनेस की नींव है, आपकी जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। लिस्ट बिल्ड यानी हमारे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, यानी हम हमारा जो कंसेप्ट है, जिन लोगों को दिखाना चाहते हैं वो हमारे संभाव्य ग्राहक। बड़ी सफलता के लिए इस बिजनेस में आपके पास कम से कम 100 लोगों की तो लिस्ट होना जरूरी है। उस लिस्ट को आप कैटेगरी कर सकते हो, ए बी सी। ए यानी खास लोग, बी यानी 50% यस 50% नो करने वाले लोग, और सी यानी डायरेक्टली नो बोलने वाले, यानी कि अनजान स्ट्रेंजर लोग। और हमें जो प्लान है हमारा या कंसेप्ट है वो केवल ए कैटेगरी के लोगों को दिखाना है, तो आप बड़ी सफलता हासिल करोगे, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। नंबर 2, सेट मीटिंग, यानी टेक टाइम, आपको समय लेना है। शुरू के दौर में एक जुड़े हुए नए डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस किस तरह से किया जाता है इसका कोई नॉलेज नहीं रहता, इसलिए शुरू में हमें अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में लोगों को प्लान दिखाना होता है, इसलिए आपको सिर्फ लोगों का वक्त लेना होता है। वक्त लेते समय प्रोडक्ट है, परचेस करना है, 2 लोगों को लाना है, आईडी लगाना है, सीनियर आना वाला है, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। पूरा सस्पेंस में रहकर सामने वाले व्यक्ति का समय लेना है, और साथ ही साथ हमें अपलाइन का भी वक्त लेना होता है। नंबर 3, एडिफिकेशन, यानी पहचान कराना। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, हम जिन लोगों के घर में मीटिंग सेट करते हैं, वह जब हम जाते हैं तब हमें हमारे साथ आए हुए सीनियर को बड़ा दिखाना है, उनका बहुत रिस्पेक्ट करना है। आप जिस तरह उन्हें इंट्रोड्यूस करते हो उस पर आधा मीटिंग सक्सेस होता है। तो हमेशा अपने अपलाइन को बड़ा दिखाओ। नंबर 4, क्लोजिंग। जब आपका अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान समझाता है तब आपको बिल्कुल ही कुछ बोलना नहीं होता। आपको अपलाइन के बाजू में बैठकर अपलाइन जो समझाता है उसे अपने डायरी में लिखना होता है। ऐसा करने से सुनने वाला अपने सीनियर को पूरी तरह से सीरियसली सुन लेता है। जब प्लान खत्म होता है तब आपका रोल चालू होता है, तब उस मीटिंग को आपको क्लोज करना होता है। मीटिंग क्लोज करना मतलब सामने वाले से कैश मांगना। प्रोस्पेक्ट कैश हमेशा जिन्होंने मीटिंग लगाई है
उनके मांगने पर देता है, न बल्कि सीनियर के, क्योंकि उनका और मीटिंग जिनके घर पे है उनका रिश्ता जो है या पहचान है वो कई समय से होती है, और सीनियर की पहचान 45 मिनट की होती है या आधा घंटे की होती है, इसलिए सामने वाला उनके ऊपर भरोसा करता है। इसमें भी अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो अपलाइन उस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर रहता है। सामने वाले का जो यस नो है वो तुरंत लेना होता है, तब प्लान सक्सेस होता है। नंबर 5, फॉलोअप। जब हम किसी को अपना प्लान दिखाते हैं तब एक महत्वपूर्ण काम है जो हम भूल जाते हैं या फिर टाल मोटल करते हैं, वह है उस व्यक्ति का फॉलोअप लेना। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसे दोबारा 24 से 48 घंटे में मिलना होता है। इस 24 से 48 घंटे में उसका हाँ या ना जवाब लेना बहुत जरूरी होता है। अगर हम किसी व्यक्ति का इन दौरान फॉलोअप नहीं लिया तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे ही होता है। माना कि हमने हमारे खास दोस्त को प्लान दिखाया और उसका हाँ या ना जवाब तुरंत मिला नहीं, और अगर हमने उसका फॉलोअप सही समय नहीं लिया तो वही दोस्त खुद ही अपने और 10 लोगों को हमारे बारे में निगेटिव बताता है और हमारा मार्केट खराब करता है। और अगर वही 10 लोगों ने उनके और 10 लोगों को अगर बताया तो सोचो कितना मार्केट खराब होगा। सो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको एक बड़ी सफलता चाहिए नेटवर्क इंडस्ट्री में तो आपको इस इंडस्ट्री की जो सिस्टम बनी है उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और इसी सिस्टम से आपको सक्सेस मिलेगी। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, यूजफुल लगा और हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और हाँ, आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक विश यू ऑल गुड लक।